झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है, जहां हलचल लगातार सुबह से ही बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से सूचनाएं मिल रही थी कि सभी जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो रायपुर एक बार फिर से शिफ्ट हो सकते हैं, उसको लेकर के यहां पर आपदा की बैठक जो होने जा रही है, आपदा की बैठक जो है सुखाड़ को लेकर के होने जा रही थी प्रोजेक्ट भवन में, जिसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके कई मंत्री जो हैं वो रायपुर जाने वाले हैं। सीधे सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को, उनका क्या कुछ कहना है। सर जा रहे हैं रायपुर, पहला सवाल, रायपुर जा रहे हैं। कितने बजे सर? अभी बात करते हैं, बताते हैं। हम शाम में सर। कितने लोग जा रहे हैं सर? जाएंगे, दो तीन लोग जाएंगे। क्या वहाँ से वापस विधायकों को ला रहे हैं क्या? हाँ आएंगे, जब सदन चलेगा तो माननीय विधायक के बिना कैसे सदन। मंडे को लौटने के आएंगे, मंडे को सुबह मॉर्निंग। अभी ये तो सीएलपी साहब का प्रभारी जी का जो आदेश हो रहा उसको बात करिए। सर एक दिन के लिए आप लोगों ने विशेष सत्र बुलाया सर, अपनी बहुमत को साबित करेंगे उस दिन? चाहे नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है जी, और लोकतंत्र के मंदिर से लोकतंत्र चलता है, और जब जब सदन चलता है तब तब लोकतंत्र मजबूत होता है। तो जो हमारे साथ जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठप किया जा रहा है, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की साजिश हो रही है जी, और ये एक प्रायोजित नाटक चल रहा है भाजपा के द्वारा, तो इसके विरोध में हम लोग सदन के माध्यम से हम जनता को बताएंगे कि हम क्या कर रहे थे, क्या काम हमारे और विजन है, हमने क्या क्या अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम किए और क्या करना है, जिससे डर के भाजपा भयभीत होके रोक रही है। जनता मालिक है और जनता जो है सर्वोपरि है, जनता हमारे साथ न्याय करेगी। बहुमत साबित करेंगे सर, क्योंकि एक असमंजस की स्थिति है। ये तो बहुमत की सरकार है, तो इसमें बहुमत क्या साबित करना है? राजभवन से असमंजस है, आप अपनी बात क्लियर कर देंगे? राजभवन देखिए एक संवैधानिक संस्था है, हम महामहिम राज्यपाल महोदय को जानते हैं कि वो बड़े कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं और कई बार के सांसद रहे हैं, और आज वो पंच की कुर्सी में हैं, तो पंच के मुंह से परमेश्वर की बात निकलनी चाहिए, न्याय की बात निकलनी चाहिए, सत्य की बात निकलनी चाहिए, और वो संविधान के उच्च पद पे हैं, तो उनसे हमको उम्मीद है कि वो हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। दिल्ली गए हैं सर आज? नहीं बिल्कुल, अब वो दिल्ली जाएँ कहीं जाएँ उसके लिए तो मैं नहीं बोल सकता। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुना, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि रायपुर जाएंगे मंत्री, अपने विधायकों को लेकर के वो वापस आएंगे, और वापस आने का जो समय है वो उन्होंने ज़रूर नहीं बताया है, लेकिन ये ज़रूर कह दिया है कि विशेष सत्र जो है उसके लिए सभी विधायकों को वापस रांची लेकर के सभी मंत्री आएंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से, मैं पूजा नमस्कार।